हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग रिमेनिंग लास्ट डेज के इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यह बचे हुए दिन, अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं उन दिनों में आपको क्या करना है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई जाएगी। ये जो डिटेल्स है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, वह आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन में थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क के साथ साथ कह सकते हैं कि जो आपका स्मार्ट वर्क होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, अपने इस वीडियोज़ की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं यहाँ पे सिंपली कि आपको कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है सिंपली। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो डीबी के स्टूडेंट्स होंगे और जो जीडी के स्टूडेंट्स होंगे और जो यांत्रिक के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, ये तीन प्रकार के यहाँ पे एग्जामिनेशन होंगे आपके CGPT 02/2022 बैचेज में। तो यहाँ पे जो तीन प्रकार के जो स्टूडेंट्स होंगे, कि जो आपका डीबी होगा इसमें सेक्शन वन सिर्फ पूछा जाएगा, ठीक है, और सेक्शन वन जो होगा वो आपको जीडी में भी पूछा जाएगा, और देन फिर सेक्शन वन जो होगा वो आपके यांत्रिक में भी पूछा जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, फिर ध्यान देना है यहाँ पे एक और बात, देखिए जो भी बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए, देन फिर आपको हम बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। फिर दूसरा क्या है इसमें है, दूसरा नंबर पॉइंट है इसमें कि इसमें कोई सेक्शन टू नहीं होंगे या फिर इसमें कोई अनदर सेक्शन नहीं होंगे, नो एनी सेक्शन, ठीक है, नो एनी, इसमें क्या होगा, नो एनी सेक्शन, ठीक है, इसमें कोई अदर सेक्शन नहीं होगा, इसमें क्या होगा आपका सेक्शन टू होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा आपका, इसमें भी आपका होगा टू नंबर पॉइंट में सेक्शन थ्री होगा, और क्या होगा आपका सेक्शन थ्री, साथ ही में सेक्शन फोर और साथ ही में सेक्शन फाइव, ये तीन सेक्शन आपके होंगे कहाँ पे, आपके यांत्रिक में। ये आपका बात हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अब तैयारी कैसे करना है इन लास्ट दिनों में, वो क्या करना है आपको हम यहाँ पे बताएंगे अच्छे से, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सिंपली यहाँ पे आपको किस बात का ध्यान देना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको तीन चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है, फॉर प्रिपरेशन, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर प्रिपरेशन, ठीक है, फॉर प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला है आपका रिवाइज, ठीक है, क्या है रिवाइज आपको बताएंगे। दूसरा क्या आपको, देखिए किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन बातों का ध्यान आपको नहीं रखना है, यानी किन किन बातों को आपको नहीं करना है, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है कि रिवाइज आपको करना है, देन फिर दूसरे में आपको रिवाइज क्या करना है, कैसे करना है, अभी आपको बताया जाएगा। फिर दूसरे में क्या आपका, सिंपली दूसरे में आपका यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तीसरा क्या आपका, तो तीसरा है आपका यहाँ पे रिवाइज है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, और साथ ही साथ आपका क्या है, कोई भी आपका टेस्ट सीरीज या फिर प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे रिवाइज और आपका टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट्स, इनके बारे में बात करने से पहले आपको कुछ बता देते हैं। सबसे पहले कि सेक्शन वन में जो होगा आपका वो मैथ्स होगा, ठीक है, फिर क्या होगा आपका साइंस होगा, फिर क्या होगा आपका जीके होगा, और फिर क्या होगा आपका रीजनिंग होगा, ठीक है, और क्या होगा आपका एक इंग्लिश होगा, ठीक है। ये आपका तीन दो पाँच, यानी पांच आपके टॉपिक होगा सेक्शन वन में, और ये तो पांचों टॉपिक्स आपके सेक्शन वन के सभी के लिए होगा, जीडी डीबी यांत्रिक सभी के लिए होगा, ठीक है।
मोस्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि लास्ट टाइम में जो होते हैं तो चलिए नोट्स तो करना तो वो अच्छा चाहिए, नोट्स तो रिविजन कर रहे हैं तो वो आप अपने जो भूल गए होंगे कंसेप्ट या फिर जो बचा हुआ कंसेप्ट जो आपने अभी तक इनसे पिछले दिनों में पढ़ा है उनको रिविजन करने में काम आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना क्या होता है, ये बहुत इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस से क्या होते हैं कि आपने जो नोट्स में पढ़ा है या आपने जो कंसेप्ट को पढ़ा है उसको इंप्लीमेंटेशन करने का यहाँ पे मौका मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए इन लास्ट दिनों में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा मैक्सिमम, इवन आप एक दिन में 100-200 क्वेश्चंस बना जाइए, लेकिन बनाइए। ठीक है, ये होता है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सिंपली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ नहीं होता, आपको सीधे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, मोस्ट नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, मोर लिखना चाहिए। ठीक है, मोर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ये मोर इंपॉर्टेंट होगा, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लिख रहे थे वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। हम भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा पा रहे हैं, किसी रीजन से कारण आपको थोड़ा वीडियोस कम मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी हम दे पा रहे हैं जितना हो सकता है हमसे आपको दे पा रहे हैं। प्रीवियस हमारे इतने सारे वीडियोज आपके चैनल पर अवेलेबल है, अगर उन सारे वीडियोज को आप देख लेते हैं तो डेफिनेट तौर पर आपको सारे सब्जेक्ट में आपको हेल्प होने वाला है। तो आप सारे वीडियोज को देखिए, आप लोग प्रीवियस वीडियोज को देखते नहीं है वो आपके लिए गलती है, आप प्रीवियस वीडियोज को देखिए, वहाँ से सीखिए, क्योंकि हमने जब भी आपको बताया है तो हर सब्जेक्ट हर साल मतलब हर आपके बैचेज में हमने नए नए क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया है, तो आप जाकर देखिए। ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो वहां से आप अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे चैनल से। आप साइंस के रिगार्डिंग हमारे इवन अग्नि बैच जो हमने पिछले ईयर में दिया था उसमें अगर आप प्रैक्टिस कीजिए तो 42 प्रैक्टिस सेट्स है, तो वहां से 42 × 10 = 420 क्वेश्चंस वहां से प्रैक्टिस हो जाता है। फिर इस बैच में भी हमने साइंस के क्वेश्चंस दिया था, फिर स्टार्टिंग के जो बैच था उससे पहले वाला बैच जिसमें कि हमने टॉपिक वाइज केमिस्ट्री फिजिक्स के अलग अलग दिया था हमने प्रैक्टिस सेट्स, उसको देखिए आप। बहुत ही हमने आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, बहुत मैथमेटिक्स के दिया है हमने प्रैक्टिस सेट्स को, फिजिक्स के दिया है, तो सारे को जाकर देखिए आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज बता है वो होता है आपका टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज आपको किस बात में इंपॉर्टेंट होता है, ये टेस्ट सीरीज आपको कहां कहां काम करता है, तो ये टेस्ट सीरीज आपको काम करता है आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, MANAGEMENT, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपको क्या होता है, एग्जाम वाला फीलिंग। ठीक है, ये एग्जाम वाला आपको फीलिंग दिलाता है। और ये जो प्रैक्टिस होते हैं वो आप लास्ट के 2-3 दिन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अगर आप अभी प्रैक्टिस लेते हैं तो वो ज़्यादा ही बेहतर होता है। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी प्रैक्टिस ले लेते हैं वो आपको 2-3 बार बनाने का मौका मिलता है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, क्योंकि हर नया क्वेश्चंस, हर नया आपका जो तरीका कह सकते हैं क्वेश्चंस आपको नया कंसेप्ट नया वे तरीका सिखा के जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट लगाना बेहद इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन, ठीक है, टेस्ट सीरीज होता है ये आपको ऑनलाइन और साथ ही साथ ऑफलाइन। ठीक है, तो ये जो आपका टेस्ट सीरीज होता है ये आपका ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन और साथ साथ दो तरीके होते हैं, ये ऑनलाइन भी होते हैं और आपके ऑफलाइन भी होते हैं। ठीक है, मेरा मानना क्या होता है कि आप इस टेस्ट सीरीज को आप ऑनलाइन भी लगाइए और आपका ऑफलाइन भी लगाइए, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का अलग अलग कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, देखिए जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपको रियलिटी में एग्जाम वाला फीलिंग दिलाता है, आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और ऑफलाइन जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं ये आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में काम आता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको इसमें आप खुद से अपने आप को जज कर पाते हैं, खुद से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट रखा हुआ है, आप उसको खुद से देख के और समय के साथ आप उसको बनाइएगा। ठीक है, आप उसको समय के साथ बनाइएगा, आपको एक बार में 25 क्वेश्चंस बनाने का, आप देखिए कि जैसे मैथ के सेक्शन को उठाएं, मैथ के 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन को उठा के बनाएं और देखिए कि कितना टाइम लग रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपको वो आपको समय के साथ हेल्प करेगा। और ये जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स होते हैं ये आपको साथ ही साथ आपके रैंक को भी बताता है कि आप कितना स्टूडेंट्स में कितने लेवल पे हैं, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है आपको कि हाँ पूरा एकदम रियल फीलिंग दिलाता है जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। तो दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, तो आप दोनों प्रैक्टिस सेट्स को लगाइए। आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स के लिए किसी भी प्रैक्टिस सेट्स को ले सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, आप परीक्षा आपके प्रैक्टिस सेट्स को लीजिए वो भी बेहतर है। परीक्षा आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है, वहाँ पर जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए, परीक्षा आपको डाउनलोड कीजिए और देन फिर आप यहाँ पे GD और DB टेक्स्ट के सेक्शन में जाकर GD और DB जो भी सेक्शन के लिए आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप चुनिए और देन फिर क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे कैपिटल लेटर में TUTOR50 इस प्रकार से कैपिटल लेटर में Tutor50 का कोड लगाइए। ये कूपन कोड स्टार्टिंग में जब आप इस प्रैक्टिस सेट को लेंगे तो इसका जो प्राइस होगा वो होगा आपका 349 रुपीज, कितना होगा 349 रुपीज, लेकिन आप जब इसमें Tutor50 का कोड लगाइएगा, कूपन कोड कैपिटल लेटर में क्या लिखना है आपको Tutor50। ठीक है, तो कैपिटल लेटर में जब आप Tutor50 लिखेंगे तो क्या होगा, इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और इसका जो प्राइस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 175 रुपीज। ठीक है, तो ये आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स हो जाएंगे जिसमें कि आपको मदद मिलेगा। और ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट्स के लिए हमने आपको यहाँ पे भी दिया है, अपने चैनल पे भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स को करवाया है, आप जाकर उसको देखिए। अदर चैनल से भी अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो वहाँ से भी देखिए, क्योंकि हम ये आपको कभी नहीं बोलते हैं
सिर्फ आप हमारे चैनल से ही फोकस रहिए, आपको जहाँ से मटेरियल अच्छा अच्छा दिखता है आप वहाँ पे फोकस रहिए। ऐसा नहीं फालतू का ऐसा चैनल पकड़ लीजिए जहाँ पे जेके सीधे टिक लगा के भाग रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। आपको ऐसा जगह पकड़िए, ऐसा वीडियोस को देखिए जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। अगर आपको लगता है हमारे वीडियो से बेनिफिट होता है, हमारे वीडियोज़ को देखिए, किसी अदर चैनल के वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, तो आप उसको भी जरूर देखिए, ठीक है। तो ये आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होंगे। तो चलिए, आपको हमने जितना हो सका हमारे द्वारा आपको समझाने का हमने प्रयास किया है, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जरूर ले, हमने आपको सिखा दिया है, बता दिया है कैसे टेस्ट सीरीज को लेना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप सिंपली वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप छोड़ दीजिए, आप सिंपली टेलीग्राम चैनल पे भी वहाँ पे डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।